हेलो एंड वेलकम टू देसी शो। देसी शो में आपका स्वागत है। प्रतीक्षा, इंतजार, वेटिंग और न जाने कितने नाम है, मगर एसेंस वही जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी कहता है। क्या कहता है? द फैक्ट ऑफ स्टेइंग वेयर यू आर और डिलेइंग डूइंग समथिंग अंटिल समबडी और समथिंग हैपेंस और कम्स टू यू। आजकल कहाँ वेटिंग नहीं होती। आप अपने फेवरेट रेस्टोरेंट पे जाते हो, वहाँ वेटिंग होती है। खाने वालों की लंबी लाइन आपके सामने होती है। क्यों? इरिटेटिंग होती है ना ये, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग। और हाँ, मूवी थिएटर, बॉक्स ऑफिस, इसको भूल गए क्या? सिक्योरिटी चेक इन, एयरपोर्ट पे, बैगेज ड्रॉप, वहाँ भी लंबी लाइन होती है। और जी हाँ, रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन में तो ज़्यादा लोग ड्रॉप करने के लिए आते हैं, वहाँ भी लंबी वेटिंग। और इंटरनेट, आपकी फेवरेट, इंटरनेट पे भी वेटिंग होती है, लोडिंग। और हम सब की सबसे ज़्यादा थॉटफुल जगह, लू, जी हाँ, वहाँ भी वेटिंग होती है। हमें कुछ पाने के लिए वेट तो करना पड़ता है, नेचुरल प्रोसेस है। अगर टाइम है तो वेट है, जी हाँ, टाइम है तो वेट है, सिंपल। मगर कहीं वेटिंग से कुछ अच्छा हो जाता है तो कहीं बुरा भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है कि बारिश नहीं होती है कभी कभी सालों साल, और हमारे किसान भाइयों को कितनी मुश्किल होती है ये समझने में कि कब बारिश होगी, कब बारिश होगी, कब बारिश होगी। मगर शायद बारिश ही नहीं होती है उस साल, और बेचारे हमारे किसान भाइयों को कितना तरसना पड़ता है चाहे तो पानी के लिए। हॉस्पिटल में आप किसी पेशेंट्स के साथ है और वो पेशेंट को पता नहीं कि किस तरह का इलाज उसे जरूरत है, आपके पास पैसे नहीं, आप वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, मगर आपको पता ही नहीं कि कब ठीक होगा। कुछ ऐसी कुछ आज थ्योरी को समझाऊंगा मैं आपको कि बेसिकली वेटिंग है क्या। जब मैंने वेटिंग को स्टडी करना शुरू किया, तब इसको मैंने जितनी तरह की वेटिंग मैंने स्टडी करी उसमें से मैंने कुछ ब्रॉड कैटेगरीज बनाई है और उसको एक्रोनिम दिया है रेट। यानी R stands for reluctant waiting, uncertain waiting with expected results। आपको भूख लगी है, आप वेंसडे को निकल जाते हो ऑफिस से जल्दी और आपको लगता है कि आज पिज्जा खाते हैं, आप किसी पिज्जा के रेस्टोरेंट में जाते हो और आपको पता लगता है कि 35 लोगों की लंबी लाइन आपके पहले है। आप क्या करोगे? वेट तो करोगे, बिकॉज आज आपको वही खाना है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट तो है, आपकी भूख मिट जाएगी, बट अनएक्सपेक्टेड वेटिंग है वहां पे, अनसर्टेन वेटिंग है, कितनी देर लगेगी ये नहीं पता आपको। एंट्रेंस एग्जाम में एग्जाम देते हो और आपको रिजल्ट के बारे में पता नहीं है, और बीच में कुछ हो जाता है, कुछ पॉलिटिकल इश्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से रिजल्ट रुक जाता है। कब रिजल्ट आएगा ये नहीं पता, बट रिजल्ट आएगा। सो अनसर्टेन वेटिंग है यहाँ पे और एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, तो ये आर यानी रिलक्टेंट वेटिंग में आ गया। ई क्या है? ई सर्टेन वेटिंग विद एक्सपेक्टेड रिजल्ट। आपका बर्थडे है 5th ऑफ सितंबर को और आपको पता है कि आपकी चाची ने, मासी ने, ताई ने प्रॉमिस किया कि आज तुझे मैं तेरे बर्थडे पर बहुत अच्छा प्रेजेंट दूंगा, तो आपको पता है बर्थडे पे तो प्रेजेंट आ रहा है। सो सर्टेन वेटिंग, ये वेटिंग में आपको पता है रिजल्ट भी है और कितनी देर में वो चीज आ जाएगी आपको पता है, क्योंकि आपके बर्थडे के दिन ही वो आएगा या उससे पहले आ जाएगा। That's it. और लास्ट क्या है? रेड यानी ड्रेडफुल वेटिंग। टी स्टैंड्स फॉर ड्रेडफुल, सबसे मुश्किल, अनसर्टेन वेटिंग विद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो मैंने डॉक्टर का एग्जाम्पल लिया था हॉस्पिटल वाला याद है, और किसान वाला जो एग्जाम्पल लिया था, वो दोनों ड्रेडफुल वेटिंग में ही आते हैं। मैंने पोएम बनाई है आप सबके लिए, आप सबसे प्लीज बड़ा ध्यान से सुनिए, बहुत ड्रेडफुल वेटिंग पर ही बेस्ड है और शायद आप रिलेट कर पाएंगे, ये एक्चुअली ऐसा ही होता है। चलिए इस कहानी को देखते हैं इस पोइम के थ्रू। मैंने इसमें जो प्रतीक्षा है, जो वेटिंग है, इसे एक पर्सोनिफिकेशन के फॉर्म में दिखाया, मानवीकरण अलंकार यूज किया है और इसे पर्सोनिफाई किया है कि प्रतीक्षा एक ऐसी लड़की है जिसके साथ उसका कॉन्फिडेंस यानी उसका यकीन उसके साथ आता है हॉस्पिटल में, मगर उसका यकीन चकनाचूर हो जाता है, प्रतीक्षा फिर से प्रॉब्लम बना जाती है।
चलिए सुनते हैं। छोड़ने आया था वो, फिर कहीं चला गया। मैं वहीं खड़ी करती रही इंतजार रेलवे स्टेशन के साथ में। एक के बाद एक ट्रेनें निकलती गई, पान वाले ने भी दुकान बंद कर दी। कुली ने पूछा मुझसे कौन सी ट्रेन, मैं जवाब भी नहीं दे पाई। चाय गरम की रट लगने लगी, हड़बड़ी में मैंने उसे 10 का सिक्का दे दिया। मैंने 5 वापस भी नहीं लिया, उसने भी फायदा समझ नहीं दिया। मैं वहीं खड़ी रही इंतजार में, एक पैकेट हाथ में लिए अस्पताल की पर्ची संभाले। सामने एक बड़ा अस्पताल, मेरा यकी मेरे साथ था, फिर कहीं घूम गया। मैं कोसती रही खुद को कि मर्ज का इलाज क्यों इतना मुश्किल है हर बार। जी हाँ, क्यों इतना मुश्किल है हर बार। ओके, तो क्या करें, कोई तो सलूशन होगा, कुछ तो होगा इसे मैनेज करने का। सिंपल, वेट मैनेजमेंट, इसे मैनेज करना सीख जाओ। और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, लुक फॉर अल्टरनेटिव्स। वो जो बुधवार के दिन बंदा निकला था जिसे पिज्जा खाना था और वो किसी पर्टिकुलर पिज्जा रेस्टोरेंट पे गया और वहाँ लंबी लाइन थी, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर लेट्स से 40-45 मिनट्स और 1 आवर, उसे छोले कुलचे खा लेना चाहिए था यार। सिंपल है, 40-45 मिनट्स बच गया, 45-45 मिनट्स में आपको घर पहुंच जाते इतनी देर में, तो वो वेट टाइम आपका बच जाता। मतलब आपको 11th आवर में कुछ डिसीजंस, कुछ हार्ड डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और उन डिसीजंस के थ्रू आप आगे निकल सकते हैं। इस वेट मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं इस सिंपल से, जो वेटिंग टाइम है ये बहुत बहुत इरिटेटिंग होता है सबके लिए, बट फिर भी हम उसी रेस्टोरेंट में बैठे रहते। दूसरा क्या है, प्री प्लान एंड वर्क इट आउट। अगर आप अल्टरनेटिव काम नहीं करा 11th आवर में, प्री प्लान कर लो। अगर उसी पिज्जा वाले रेस्टोरेंट पे वेटिंग वाले पे चलते हैं, एग्जांपल को लेते हैं, अगर आपने पहले से प्लान कर रखा है कि आज पिज्जा किसी रेस्टोरेंट में जाना है और खाना खाना है, और आपको किसी तरह से पता लग गया कि वेटिंग है, तभी के तभी चेंज कर लो प्लान को, कहीं और चले जाओ, किसी और पिज्जा रेस्टोरेंट में चले जाओ, अपने फेवरेट वाले पे मत जाओ। सिंपल है, प्री प्लान एंड वर्क इट आउट। पहले से प्लान कर लो करना क्या है और से execute करो। Yes, बहुत सिंपल है, दोनों चीजें, लुक फॉर alternatives एंड दूसरा है प्री प्लान एंड वर्क इट आउट। दो मैं ये कहता हूं सिर्फ 8 टाइम जो रिलक्टेंट वेटिंग टाइम है उसको ही आप इन दोनों तरीकों से प्लान कर सकते हो। ई को प्लान करने की जरूरत ही नहीं है बिकॉज वो ऐसे ही आपके अकॉर्डिंगली जाएगा। हाँ, जो वेटिंग टाइम है उसका प्लान कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। और जो डी है वो आपके हाथ में नहीं है, तो उसको प्लान करना बहुत मुश्किल है। इन वेटिंग जो ये जो चीजें मैंने आपको दो अल्टरनेटिव्स बताई हैं, लुक फॉर अल्टरनेटिव्स और प्री प्लान, इन दोनों को जो मैनेज करने का, जो वेट मैनेजमेंट को, वेटिंग जो है इसे मैनेज करने का फायदा क्या है, ये हमें परसिस्टेंट बना के रखेगी एडवर्सिटीज में। मतलब आगे जाकर अगर कोई मुश्किल आए तो आप पहले से सीख के रखोगे कि किस तरह से वेटिंग वाली जो चीज है इसको आप कैसे मैनेज करोगे। मतलब इट विल हेल्प अस टू रिमेन परसिस्टेंट इवन इन टाइम्स ऑफ एडवर्सिटी। यस, एडवर्सिटीज में आपको स्ट्रांग बनाएगी, आप अपना पेशेंस नहीं खोगे, आप स्ट्रेसफुल नहीं होगे, और आपको हमेशा हमेशा से एक स्ट्रेंथ पीछे से मिलती रहेगी। Yes, I'm ready. B.C. Forbes का मुझे quote याद आ गया और मैं आपको बताना चाहता हूँ। History has demonstrated that the most notable winners usually encountered heartbreaking adversities or obstacles before they triumphed. They won because they refused to get discouraged by the people. Interesting, huh? जीते वही जिन्होंने हारना नहीं सीखा। लोगों ने कुछ भी कहा पीछे से, कोई फर्क नहीं पड़ता, I'll go straight to my goals, है ना? कैसा लगा आज का कॉन्सेप्ट, इंटरेस्टिंग था ना? ये जो वेट का कॉन्सेप्ट है पहली बार मेरे मोटिवेशनल चैनल पर आ रहा है, और अगर आपने इन चीजों को नोट नहीं किया प्लीज नोट कर लो। कैसा लगा ये वीडियो, अपने फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में देना।
और आपको अपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी, क्योंकि आगे आने वाले कुछ वीडियोस में मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे आप सुनकर हैरान हो जाओगे। बेल बटन को भी हिट कर देना ताकि आपको पता लग जाए कि ये वीडियो आ चुका है। ठीक है, जाने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, वो है आज का सीखो फंडा ऑफ द वीक। और आज का सीखो फंडा ऑफ द वीक है, जब घने रहोगे तब जमे रहोगे, और जब जमे रहोगे तभी बने रहोगे, या जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप अपने अगर पिछले वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए, और मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे वेबसाइट के कमेंट बॉक्स के थ्रू, और उन क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा मेरे आने वाले वीडियोस में भी। और आप मेरा हौसला अफजाई करते रहिए, इसी तरह से लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और मैं ऐसे ही आपके पास कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स के साथ हर वीडियोस में आता रहूंगा। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।